उधर 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 उल्का कम हो रही डॉक्टर गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस चैनल पे। बहुत शॉर्ट टर्म में एक ट्रिप बनाया, आ गया हूँ मनाली में। मनाली के इस वक्त एक होटल में चेक इन किया, सुबह 6:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे, साढ़े सात बजे यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद एक होटल में चेक इन करने गए, booking.com से हमने होटल बुक करवाया, बट एक मुश्किल ये आन पड़ी कि जैसा रूम booking.com को दिखा रहे थे वैसा रूम हमें प्रोवाइड नहीं हुआ। उसके अलावा फिर उन्होंने अलग अलग होटल में ऑफर दी कि आप यहाँ पे स्टे कर लो, डिस्काउंट दे देंगे आपको, एडवांस पेमेंट 25% कर चुके थे, कोई बात नहीं बनी फिलहाल। उसके बाद बोलो बोलो सो और ये उसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट ट्रिप की वीडियो बनाते एक होटल पे हम ग्रीन होटल था उस पर चेक इन किया। उन्होंने आगे एक और फर्दर होटल में भेज दिया कि आपको यहाँ पे सब कुछ सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। चार लोगों के लिए रूम बुक करवाया था, एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े बेड एक्स्ट्रा के लिए। फाइनली नहा धो के निकल चुके हैं, अब हडिम्बा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। बुरा हुआ हाल, अमित पाल को सांस चढ़ चुकी हुई है, मेरे को सांस चढ़ी इस वक्त। गलती करती है बाइक ना लेके आज। फिलहाल मनाली के जो करंट पोजीशन की हाल बता दूं, टेम्परेचर लो है, 0 से 5 के करीब का टेम्परेचर जा रहा है, बट स्नोफॉल अभी तक यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, मनाली से कुछ 2 किलोमीटर ऊपर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे बर्फ़बारी हुई है। आज सुबह से बारिश चल रही थी, बारिश भी दोपहर की 12-1 बजे बंद हुई है। अब आगे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखते हैं, बने रहिए साथ में। खाने लिख ले क्या करना है, आगे खाते हैं और पीछे देखते हैं। वीडियो बनाएंगे में, ठीक है। तो फाइनली ये पसंद के लिए पहले स्लिप कटवानी पड़ेगी, स्लिप देने के बाद वहाँ पे आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको ली जा सकती है। ये मैं खुद खा रहा हूँ यहाँ पे। पेमेंट कहाँ पे होगी? सामने कैश। ओके,